नमस्कार दोस्तों, सैलरी को लेकर बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं और अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम, साथ में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे भी हमने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। अभी जो नया ताज़ा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का है और यह जुड़ा है उत्तराखंड स्टेट से। ये सैलरी से लेकर ही है और सैलरी में जो 2018 के आसपास जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे जो NRHM में थे उनको एलोपैथिक और डेंटल डॉक्टर्स के मुकाबले बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी उस समय। इसी को लेकर उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया था कि सैलरी बराबर की जाए। बहुत लंबे समय तक सुनवाई चली और उसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि इक्वल वर्क इक्वल पे के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि आप उतनी ही सैलरी पे करेंगे इनको भी जितना कि आप एमबीबीएस या डेंटल को देते हैं। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस निर्णय को नहीं माना और इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया, रिव्यू पिटीशन, और उसमें 2-3 रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने दायर किया। और उसी में अभी जो ताज़ा अपडेट जो लेटेस्ट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन में अपना क्या आदेश दिया है और किन किन पॉइंट्स को इसमें शामिल किया और सैलरी उनकी बढ़ी या घटी, तो पूरा डिटेल हम बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे सभी अपडेट्स आपके लिए समय समय पर हम लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह खबर आई थी इंडिया टुडे में, 2018 में इसकी डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 4, 2018 का डिसीजन था और इसका टाइटल था हाई कोर्ट डायरेक्ट्स उत्तराखंड टू पे आयुर्वेदिक डॉक्स ऑन पार विद एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स। तो उस समय जो वहाँ पे इस केस में जो मामला था कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि एडवोकेट BN मौलखी काउंसिल फॉर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट वाइल द डॉक्टर्स वर्किंग फॉर आयुष रिसीव्ड 28,000 पर मंथ, देयर एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स गॉट 48,000 पर मंथ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था सैलरी में, लगभग जो है आधे का डिफरेंस था। तो जो भी इसमें डिसीजन आया ये आप नेट पे देख सकते हैं, पूरा केस आपको मिल जाएगा नेट पर। जो डिसीजन था यहाँ पे, आफ्टर हियरिंग द पिटीशन द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस राजीव शर्मा एंड आलोक सिंह डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू पे इक्वल सैलरीज टू डॉक्स वर्किंग फॉर आयुष एंड देयर एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स। तो जो उस समय का डिसीजन था जो अप्रैल 18 में आया था, उसमें यही निर्णय दिया गया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उतना ही सैलरी पे करे जितने कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को पे करते, यानी कि दोनों को सेम आप सैलरी देंगे, यही डिसीजन था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर किया था। तो यह अपील जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे देखिए पेटिशनर में स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, तो वहाँ पे 24/3/2022 को इसका डिसीजन आया था। डिसीजन हम आपको लास्ट में यहीं पे है जो पढ़ के सुना देते हैं। आफ्टर द ऑर्डर वाज पास्ड, लर्न्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स मेड ए स्टेटमेंट दैट पेटिशनर वुड लाइक टू फाइल ए रिव्यू पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। इट इज़ नॉट फॉर दिस कोर्ट टू इशू एनी सच डायरेक्शन, इट इज़ ऑलवेज ओपन टू द पेटिशनर टू परस्यू सच रिमेडी एज मे बी अवेलेबल टू देम इन लॉ। और इसके पहले जो पैराग्राफ है, वी मे ओनली क्लेरिफाइड दैट द रिस्पोंडेंट्स हु आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स विल बी एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एट पार विद एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर एंड डेंटल मेडिकल ऑफिसर अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो इस पे टिप्पणी थी कि उन्होंने कहा था कि चूँकि सब कुछ सेम है, केवल पैथी का डिफरेंस है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी वही सैलरी आप देंगे जो एलोपैथिक या डेंटल को दे रहे हैं NRHM स्कीम में। और उसके आगे जो इन्होंने लास्ट में फाइनल जो डिसीजन दिया था कि इसमें आप जो है रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में ही डालें, यानी कि जहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट का मामला था वहीं पे डालें और इट इज़ नॉट फॉर दिस कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इसका बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं है और इस पर हम कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते, बस इन्होंने यही कहा था कि जो वर्क सेम है, इक्वल वर्क है, तो इक्वल पे के सिद्धांत के आधार पर आप वही सैलरी देंगे। तो ये जो डिसीजन था 24/3/2022 को था, आप लोग डेट नोट कर लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
इसके बाद फिर से हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जिसका कि डायरी नंबर यह है और यह रहे, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं और यहाँ पर डिसीजन है डिस्पोज्ड। तो इसमें क्या क्या डिटेल हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पेटिशनर जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड है और रिस्पोंडेंट में संजय सिंह चौहान जो भी मेडिकल ऑफिसर थे उस समय के थे। तो इसमें पूरी प्रोसीडिंग्स देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे नीचे ऑफिस रिपोर्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल मिल जाएगा। तो डिटेल हम आपको पढ़ कर सुना देते हैं। ये है डिटेल जिसमें कि जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है, जितने भी रिव्यू पिटिशन थे इसमें। एक तो आपका 2022 का ये नंबर है 21064 और 21541 2022 का है रिव्यू पिटिशन है। तो दो बार जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा पिटिशन उसमें दायर किया गया था और इसका जो है डिसीजन अभी आया है कुछ दिन पहले ही। ये है लास्ट में जो डिसीजन आया है और इसका डेट है 9 अगस्त 2023, यहाँ पे नीचे डेट मिलेगा। और इसमें जितने भी पुराने थे रिव्यू पिटीशन 2022 का डायरी नंबर 21064 और स्पेशल लीव पिटीशन 33645 2018 का, और नीचे भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 21541 2022 का और 33645 2018 का, जो कि यही सेम नंबर है। तो इन सारे सुनवाई के करने के बाद जो है जो डिसीजन ये था कि हैविंग परस्यूड द रिव्यू पिटिशंस देयर इज नो एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स, नो केस फॉर रिव्यू अंडर ए नंबर है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013, द रिव्यू पिटिशंस आर देयरफॉर डिसमिस्ड। यानी कि जो इन्होंने मांग की थी कि सैलरी हम बराबर नहीं दे सकते, और इन्होंने बीच में जो अप्रैल अभी 26 अप्रैल 2023 में इसी साल एक जो डिसीजन भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसको भी कोट किया था। आप इसमें देखिए पुराना वाला जो अभी हमने डिटेलिंग दिखाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज़ फर्दर सबमिटेड एट काउंसिल फॉर पेटिशनर हैज ऑन 11th मई 2023 फाइल्ड अप्लीकेशन फॉर टेकिंग ऑन रिकॉर्ड्स फॉर द जजमेंट डेटेड 26 अप्रैल 2023, जो अभी था कि जो गुजरात सरकार वाला जो गुजरात सरकार के मामले में जो डिसीजन दिया था कि इक्वल वर्क नहीं है, तो उसको इन्होंने कोर्ट करते हुए भी दोबारा रिव्यू पिटिशन दायर किया था, लेकिन उससे बहुत बात बनी नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो पुराना डिसीजन है उनका सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इस रिव्यू पिटिशन को खारिज कर देते हैं। यानी कि सेम आदेश जो सेम ऑर्डर पुराना जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का था उसी को उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया, यानी कि आप सेम सैलरी पे करेंगे।